सो ये है हमारे पास 500 के अंदर आने वाला ट्रू वायरलेस ईयरबड। एंड इसी की जो है आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। सो चलिए फटाफट इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम बॉक्स को ओपन करते हैं एंड बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो बैक में हमें देखने के लिए मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एंड यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी जो है चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि यहाँ ईयरबड्स के लिए अलग यहाँ पे दिया हुआ है एंड केस के लिए अलग एक बॉक्स दिया हुआ है। एंड अब देखते हैं क्या इसमें ईयरबड्स है या ईयरबड्स इसमें है ही नहीं, क्योंकि ईयरबड्स के जगह पे तो ईयरबड्स नहीं है लेकिन केस के जगह पे यहाँ पे केस है। तो चलिए फाइनली यहाँ पे हम केस को निकालते हैं कुछ इस तरीके से एंड देखते हैं इसके अंदर ईयरबड्स है या ईयरबड्स ही नहीं दिए हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम केस को ओपन करते हैं। तो चलो यहाँ पे फाइनली केस के अंदर जो है ईयरबड्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो देख सकते हो फाइनली कुछ इस तरीके का लुक एंड डिज़ाइन जो है देखने के लिए मिल जाता है केस का। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आपको जो है ऊपर का यहाँ पे मटेरियल देखने के लिए मिल जाता है एंड कुछ देख सकते हो बैक उस टाइप का एंड बैक में यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। फाइनली कुछ इस तरीके का देख सकते हो कंप्लीट इसका लुक एंड डिज़ाइन है। अगर हम ओपन करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे हमें लाइटनिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाता है जो कि चार्ज होगा तो यहाँ पे लाइटनिंग जलेगा। ईयरबड्स पे भी जो एक यहाँ पे रेड लाइटिंग जो है देखने के लिए मिल जाता है। फाइनली देख सकते हो केस का कुछ अंदर का लुक इस तरीके का है एंड ईयरबड्स को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एंड ईयरबड्स को निकालने के बाद एंड केस को हम रखते हैं साइड में, आते हैं हम अपने ईयरबड्स पे। सो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक एंड डिजाइन ईयरबड्स का है। यहाँ पे आपको रबड़ के ईयर टिप्स, बैक में आपको चार्जिंग पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है एंड अगर फ्रंट में बात करें तो यहाँ पे बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये टच नहीं है, यहाँ पे मैनुअल यहाँ पे बटन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ बात करें तो नीचे लाइट देखने के लिए मिल जाता है एंड आपको माइक भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का ईयरबड्स है माइक के साथ है। चलिए एक बार इसको पहन के दिखा देता हूँ फिट एंड कंफर्ट जो है इसका कैसा है। सो यहाँ पे कोई इंडिकेटर यहाँ पे मार्किंग वगैरह नहीं दिया हुआ है लेफ्ट या राइट का एंड चलिए तो भी हम इसको पहनते हैं कुछ इस तरीके से। सो पहनने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है एंड फिट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो फिट इसमें ठीक देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हो कुछ इस तरीके का ईयरबड्स है एंड चलिए इसको हम यहाँ से निकालते हैं एंड उसके बाद इसका हम साउंड टेस्ट करते हैं कैसा है इसमें जो है इसका स्पीकर का क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है, साउंड क्वालिटी कैसा है। सो चलिए पहले एक बार आपको मैं इसका साउंड सुना दूं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. Feeling low, about to blow back up. पर हम गेम रखते मुट्टी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाज। सो आपने सुना साउंड क्वालिटी एंड रियल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो ठीक ठाक साउंड देखने के लिए मिल जाता है, बेस भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, प्राइस के हिसाब से तो काफी सही है। एंड चलिए एक बार हम इसका माइक टेस्ट कर लेते हैं। सो अभी आप ये जो वॉइस सुन रहे हैं ये 500 के अंदर आने वाला ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है एंड कुछ इसी तरीके का वॉइस जो है सामने वाले के पास जाएगा कॉलिंग वगैरह पे आप बात करते हो तो एंड सुन के एक अंदाजा लगा सकते हो कैसे इसका माइक का क्वालिटी जो है देखने के लिए मिल जाता है। सो आपने सुना कॉलिंग पे इसका माइक का क्वालिटी कैसा रहने वाला है एंड रियली में अगर मैं बात करूं तो मैंने ऐसा क्वालिटी उम्मीद नहीं किया था। काफी अच्छा है इसमें जो क्लियर साउंड जो है वो काफी क्लियरली सामने वाले के पास जाता है। हालांकि नॉइस कैंसिलेशन का कोई फीचर इसमें नहीं है लेकिन फिर भी साउंड जो है आपका वॉइस जो है भले वो नॉइस के साथ ही क्यों ना जाए
काफी अच्छे से क्लियरली जो है सामने वाले के पास जाता है, वो काफी अच्छी चीज है। एंड इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो ये जो बटन्स है इनका आप यूज करके जो है आप कॉल रिसीव भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, ऑल्सो जो है आप म्यूजिक को प्ले या पॉज भी कर सकते हो। काफी लिमिटेड यूज है एंड कुछ इस तरीके से क्लिक करके जो है इस बटन्स का आप यूज कर सकते हो। सो आपने देखा कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू इसका। अब बात करो क्या इसको बाई करना चाहिए या नहीं। सो देखो साउंड का क्वालिटी ठीक देखने के लिए मिल जाता है, प्राइस के हिसाब से बेस वगैरह भी काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाता है। गेमिंग वगैरह तो आप इससे नहीं कर सकते, वो आप भूल जाओ। एंड बात करें माइक का भी क्वालिटी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है। एंड अब बात करें तो आप इसके साथ जा सकते हो अगर आपका बजट 500 के अंदर ही परचेस करना है कोई ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ही, देन आप इसके ही तरफ जा सकते हो। बट आप एक रिकमेंड करूंगा, आप प्रीफर कर सकते हो आप जो वायर्ड वाले ब्लूटूथ ईयरफोन्स आते हैं उनको आप प्रीफर कर सकते हो बैटरी बैकअप के लिए खास करके, क्योंकि इसमें आपको डेढ़ से दो घंटे का ही मैक्सिमम बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। एंड उससे ज़्यादा आप यूज़ भी नहीं कर सकते हो इसको, क्योंकि अगर आप एक से डेढ़ घंटे से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हो देन ईयर पेन कहीं ना कहीं इससे होगा, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया। बाकी अगर 500 के अंदर ही आपको कुछ चाहिए तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो, और बजट थोड़ा सा अगर आप इंक्रीज कर सकते हो तो बिल्कुल आप इससे थोड़ा और बेटर ले पाओगे। बाकी सही है एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।